गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखते हैं 2 तारीख के लिए इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स, प्रमुख समाचार। इसके अंदर स्कूली शिक्षा गुणवत्ता इंडेक्स, स्कूलिंग क्वालिटी इंडेक्स आ गया है। नासा का सेंड योर नेम टू मार्स, बुलबाशिया बैक्टीरिया, एस सुरेश, जियान लूका मोस्कारेला, मलिहा लोधी, कुमार संगकारा, टी रामारेड्डी, हर्बर्ट क्लेवर, अनुरानी और कौशल शर्मा, एशियन एज ग्रुप तैराकी चैम्पियनशिप और बाबर आजम, ये लोग हैं आज के करंट अफेयर्स में जिनको हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नेशनल में। तो राष्ट्रीय स्कूली शिक्षा इंडेक्स आ गया है, नीति आयोग ने इसको जारी किया है। इसके अंदर 3 अलग अलग स्टेट की कैटेगरी बनाई गई है, बड़े स्टेट, छोटे स्टेट और सेंट्रल केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरेटरी। बड़े स्टेट में 20 स्टेट को शामिल किया गया है, 20 स्टेट इसके अंदर हैं। केरल इसमें टॉप पर चल रहा है, सेकेंड पोजीशन पे राजस्थान है, थर्ड पर कर्नाटक है। सबसे पहले केरल, सेकेंड पे राजस्थान और थर्ड पे कर्नाटक है। बड़े राज्य में सबसे लास्ट पोजीशन उत्तर प्रदेश ने लिया है, यूपीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। जम्मू एंड कश्मीर 19वें पोजीशन पर, पंजाब 18वें पे और बिहार की बात करें तो 17वें पोजीशन पर। तो बिहार 17वें पोजीशन पे है। बिहार के लिए अब इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि अब इस 15 दिन के बीच का करंट अफेयर्स शायद ही पूछा जाए, तो ये इंडेक्स है। उसके अलावा छोटे राज्यों में जो टॉप पर बात करें तो मणिपुर टॉप पर चल रहा है, उसके बाद त्रिपुरा है, फिर गोवा, और केंद्र शासित प्रदेश में टॉप पर चंडीगढ़ है। टॉप पर कौन है? चंडीगढ़, फिर दादर नागर और फिर पांडिचेरी। तो ये है स्कूलिंग इंडेक्स। और उसके बाद इंटरनेशनल में देख लेते हैं। नासा का सेंड योर नेम टू मार्स, नासा का जो मंगल मिशन है वो 2020 में भेजा जाएगा। तो ये जो मार्स मिशन है इसमें एक चिप लगाया जा रहा है, रोवर में एक चिप को उसके अंदर चिपकाया जाएगा, कुछ ऐसा उसके अंदर इंस्टॉल नहीं होगा, बस चिप चिपकाया जाएगा। उसके अंदर लगभग 10 लाख नामों को ऐड किया गया है, 10 लाख नाम को उसके अंदर शामिल किया जाएगा। और इस 10 लाख नाम में अलग अलग जगहों से नाम मंगवाया गया है और भारत ने भी भेजा था, तो बहुत सारे नाम भारत ने भी रिकमेंड किए थे। तो उसमें जो वेंकटेश नाम है भगवान का, तो वेंकटेश नाम को फाइनल किया गया है नासा के द्वारा। तो भारत की तरफ से वेंकटेश जा रहा, उसके अलावा भी 10 लाख नाम जो है उस चिप पे रहेंगे जो नासा मंगल पे लेके जाएगा। बोलबाशिया बैक्टीरिया, ये बोलबाशिया बैक्टीरिया जो है ये डेंगू, चिकनगुनिया, जीका, इन सबको रोकने में मदद करेगा। इसमें किया किया जा रहा है एक्चुअली, दो साल पहले ही सिंगापुर जकार्ता में इसका प्रयोग किया जा चुका है। और ये जो बैक्टीरिया है ये खुले में नहीं मिलता, ये किसी कीड़े के शरीर के अंदर होता है और वहाँ से इसको निकाल के जो मच्छर है, जो नर मच्छर है, जो मेल मच्छर है, मॉस्किटो है, उसको इससे संक्रमित किया जाएगा और उसके बाद उसको छोड़ दिया जाएगा, जिससे आगे का जो इसका जनरेशन, आगे जो बच्चे होंगे वो चिकनगुनिया या डेंगू नहीं फैला पाएंगे। एक्चुअली ये जो बोलबासिया बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया जिस कीड़े के अंदर होता है उसको जीका, डेंगू, चिकनगुनिया आदि से लड़ने पर प्रोटेक्ट करता है, इसीलिए इस वायरस को उसके अंदर डालने की बात की जा रही है। एस सुरेश, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी की बात करें तो सबसे पहले एस सुरेश की बात है, क्वेश्चन आ सकता है। एस सुरेश जो हैं वो इसरो से रिलेटेड साइंटिस्ट हैं, इसरो का जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है उससे जुड़े हुए थे वो, और इनकी हैदराबाद में हत्या कर दी गई है। और ये काफ़ी मतलब हाई प्रोफाइल केस हो गया है, लगातार इस पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो एस सुरेश, जियान लुका मोस्कारेला, जियान लुका मोस्कारेला इटली के एक पुरुष टेनिस टूर्नामेंट के दौरान बॉल गर्ल, यानी जो गेंद पहुंचाने वाली गर्ल होती है, उसके प्रति अनुचित व्यवहार किया गया, उसको इन्होंने हॉट कह दिया था। तो अनुचित व्यवहार करने के कारण इनको, ये अंपायर थे, इनको सस्पेंड कर दिया गया। इसके पहले भी इनके ऊपर कई सारे आरोप लग चुके थे, तो जियान लुका मोस्कारेला को सस्पेंड कर दिया गया। मलिहा लोधी, ये मलिहा लोधी पाकिस्तान के साथ जो है ना समस्या खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अभी क्या हुआ, यूएन में ये मलिहा लोधी यूएन के अंदर पाकिस्तान के तरफ से अस्थाई प्रतिनिधि थी, इनको पाकिस्तान ने हटा लिया। पाकिस्तान को इस बात का गुस्सा है कि मलिहा जो है वो और देशों के
और देशों को कन्विंस नहीं करवा पाई पाकिस्तान के फेवर में, कश्मीर का जो मुद्दा है 370 खास करके उस मुद्दे पे। तो इनकी जगह पे मुनीर अकरम को नियुक्त किया गया है। ये मुनीर अकरम अपने आप में विवादित आदमी है। ये मुनीर अकरम पे इनकी पहले कोई एक्स गर्लफ्रेंड या समथिंग थी, उन्होंने भी हरासमेंट का केस डाला था, तो बाद में इनको वहाँ से वापस कर लिया गया। तो ये पहले भी रह चुके हैं वहाँ, लेकिन फिर उनके ऊपर कुछ इल्ज़ाम लगा तो वापस कर लिया गया, फिर से इनको भेजा जा रहा है। और ये जो महिला लोधी थी, ये क्या कर रही थी, इन्होंने एक बार एक ट्वीट किया, कुछ ही दिन पहले की कहानी है, ट्वीट किया जहाँ पे बोरिस जॉनसन जब इमरान खान से मिले तो इन्होंने ट्वीट किया कि बोरिस जॉनसन, विदेश मंत्री बोरिस जॉनसन और इमरान खान मिल रहे हैं। तो उस पर भी इनकी किरकिरी हुई थी, उसको ब्रिटेन का विदेश मंत्री कह दिया है, प्रधानमंत्री और कह दिया विदेश मंत्री। उसके बाद एक फिलिस्तीन की लड़की थी, उसका फेक फ़ोटो जारी करके बोला गया कि किस कश्मीर में किस तरह से अत्याचार हो रहा है, तो इस कारण से ये काफ़ी ज़्यादा विवादास्पद हो गई थी। कुमार संगकारा ने एक बहुत अच्छा, क्या कहते हैं उसको, रिकॉर्ड बनाया, रिकॉर्ड ही कह सकते हैं आप। मेलबर्न क्रिकेट क्लब, एक अचीवमेंट है इनका कि मेलबर्न क्रिकेट क्लब के ये अध्यक्ष बने हैं। तो ये बड़ी बात इसीलिए है कि इस पोस्ट पर पहुंचने वाले पहले गैर ब्रिटिश नागरिक हैं। तो ये बड़ी बात होगी कुमार संगकारा के लिए कि पहले गैर ब्रिटिश नागरिक हैं जो इस पोस्ट पर पहुंचे हैं। एक साल तक यहाँ पे काम करेंगे, और आपको शायद पता है कि नहीं, बट अब 100 बॉल क्रिकेट का भी आयोजन किया जाएगा, 100 बॉल क्रिकेट का, यानी 2020 क्या होता है, 120 गेंद का होता है ना, तो अब 100 गेंद के भी क्रिकेट प्रतियोगिता के स्टार्टिंग की जा रही है, होने वाली है। तो अब मतलब 20 ओवर भी कोई नहीं देख पाता, तो उसको भी छोटा किया जाएगा ताकि क्रिकेट और भी लोगों तक पहुंचे, और भी छोटी छोटी जो टीमें हैं वो शामिल हों, क्योंकि फुटबॉल है, हॉकी है, ये सब 2-3 घंटे के खेल होती है। तो उसी टाइम पीरियड में इस क्रिकेट को भी लाने की लगातार कोशिश की जा रही है। टी रामा रेड्डी, VSR कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टी रामा रेड्डी का हेल्थ इश्यू के कारण 84 साल में निधन हो गया। हर्बर्ट क्लेवर अमेरिका के हैं, और नशे की लत छुड़ाने के कारण काफ़ी इनका उल्लेखनीय योगदान रहा उस क्षेत्र में, इसके कारण गूगल ने इनका डूडल बना के समर्पित किया है इनको। खेल प्रतिस्पर्धा, अन्नू रानी, ये जो अन्नू रानी है इंडियन एथलीट्स हैं, और ये भाला फेंक खेल में भारत की तरफ से, जो भारत की शीर्ष महिला एथलीट हैं भाला फेंक वाले में, और इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया था, और ये अभी ये विश्व चैंपियनशिप में इन्होंने राष्ट्र अपना ही नेशनल रिकॉर्ड को तोड़ दिया। विश्व चैंपियनशिप में इन्होंने क्या किया, वर्ल्ड चैंपियनशिप में 62.34, इनका जो पहले रिकॉर्ड था 62.34 मीटर का था, इन्होंने तोड़ के 62.43 कर लिया, यानी इतना ज़्यादा फेंक दिया उन्होंने। और दूसरा कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में फाइनल में पहुँचने वाली भाला फेंक वाले में भारत की पहली महिला बनी है ये, तो ये रिकॉर्ड है इनके नाम पे। कौशल धर्मा साहब भारत के युवा सटलर हैं, और इन्होंने मालदीव इंटरनेशनल चैलेंज खिताब जीता है, और हराया किसको है, तो हराया है भारत के ही सीरिल वर्मा को। मालदीव अंतर्राष्ट्रीय चैलेंज खिताब जीता है कौशल धर्मा ने, और हराया है सीरिल वर्मा को। सीरिल वर्मा भी अच्छे खिलाड़ी हैं। तैराकी एज ग्रुप, एशियन एज ग्रुप तैराकी चैंपियनशिप, विल्सन सिंह और सतीश प्रजापति ने गोल्ड मेडल जीता है, और अभी तक भारत इसमें 100 पदक जीत चुका है, ठीक है, 100 अवार्ड जीत चुका है। बाबर आजम, पाकिस्तान ने एक अच्छा रिकॉर्ड बनाया, अभी आपको पता है पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच में मैच हो रहा है, और श्रीलंका को एकदम जेड प्लस की सुरक्षा दी जा रही है, 40-40 गाड़ियों का काफिला उसके खिलाड़ियों को लेके जाता है, लेके आता है, तो उस हिसाब से मतलब पूरी सिक्योरिटी के साथ। और हुआ भी क्या, अभी जो मैच हुआ था तो एक और शर्मनाक हादसा क्या हो गया कि स्टेडियम में दो बार लाइट चली गई, जिसके कारण मैच रोकना पड़ा। और पहली बार जब लाइट गई थी तो श्रीलंका अच्छे पोजीशन पर था, कंसंट्रेशन टूट गया और वो हार गया। बाबर आजम, पाकिस्तान के बाबर आजम ने 71वें एक दिवसीय मैच में, वनडे इंटरनेशनल मैच में 11वां वनडे शतक लगा दिया, और ऐसा करने वाले ये एकमात्र बल्लेबाज बन गए, ठीक है। तो बाबर आजम ऐसा करने वाले एकमात्र बल्लेबाज हैं, क्योंकि उन्होंने 11 मैच में ही सेंचुरी लगा दिया, 71 मैच में 11 वनडे सेंचुरी लगा दिया। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स, और इसके अंदर इंडेक्स एक बार फिर से देख लेते हैं। स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक, नासा का सेंड योर नेम टू मार्स, अब देखो आपको कैसे याद आएगा,
अब सिर्फ आप ये पढ़ेंगे ना आपको याद आ जाएगा। स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक टॉप पे कौन? केरल। नासा का सेंड योर नेम टू मार्स, भारत की तरफ से कौन सा नाम गया? भारत। अच्छा मैं बोलता जाता हूँ, आप लोग अगर आंसर कर लो तो बहुत अच्छा रहेगा, आप नहीं तो मन में ही सोच लो कितना कर पाते हो। नासा का सेंड योर नेम टू मार्स, नासा का सेंड योर नेम टू मार्स में भारत का कौन सा नाम शामिल किया गया है? बोलबाशिया बैक्टीरिया किससे रोकेगा? एस सुरेश किस क्षेत्र में है इनकी हत्या कर दी गई है? कौन थे ये? जियान लुका मोस्कारेला को अभी सस्पेंड कर दिया गया है, क्या थे ये? महिला लोधी को हटाया गया है यूएन से, कहाँ किस देश से थी? कुमार संगाकारा अभी अध्यक्ष बने हैं किसके? टी रामा रेड्डी का भी निधन हो गया है, कौन थे ये? हर्बर्ट क्लेवर, गूगल ने डूडल बनाया है, ये किस देश से थे? अन्नू रानी किस खेल से रिलेटेड हैं? कौशल धर्मा किस खेल से संबंधित हैं और क्या जीता? एशियन एज ग्रुप तैराकी चैंपियनशिप में पुरस्कार किसने जीता है, गोल्ड मेडल किसने जीता है? और ये बाबर आजम किस देश से हैं और क्या रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने? तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इस तरह से आप लोग रिवाइज करेंगे तो करंट अफेयर्स एकदम ही नहीं छूटेगा।